आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RSMS जो रुजदा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है तब आपको इस तरह से आप देखेंगे RSMS का आइकन आपको मोबाइल में मिल जाएगा, और अगर आपने नहीं किया है तब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है वहाँ से क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद आपका ये आइकन इस तरह से आपको मोबाइल में सर्च करना है RSMS, और फिर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें दो इंटरफेसेस हैं, एक स्टूडेंट के लिए है और एक टीचर्स के लिए है। जो सबसे पहला इंटरफेस आपके सामने आता है वो स्टूडेंट के लिए होता है, आप लिखा हुआ भी है यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट को लॉगिन करने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, उसका SR नंबर मतलब एडमिशन नंबर, स्कूल कोड एंड डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप DEDMMYY के फॉर्मेट में यहाँ एंटर करेंगे, SR नंबर यहाँ एंटर करेंगे, स्कूल कोड आप यहाँ एंटर करेंगे तो बच्चा यहाँ से लॉगिन कर सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर्स कैसे लॉगिन कर सकते हैं और टीचर्स के लिए इसमें करने के लिए क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं और उन्हें वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टीचर्स को क्या करना है, आप देखेंगे लॉगिन के नीचे एडमिन लॉगिन यहाँ लिखा हुआ है, एडमिन लॉगिन पर आपको क्लिक करना है तो आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा। यहाँ आपसे मांगेगा यूज़र नेम, स्कूल कोड एंड पासवर्ड, ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है। जैसे इन माय केस मैं अपना यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करूँगा, अपना स्कूल कोड यहाँ पर एंटर करूँगा और मैं यहाँ पर जो मेरा पासवर्ड है वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। अगर मैं ये तीनों डिटेल सही प्रोवाइड कराता हूँ और साइन इन पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये लॉगिन हो जाएगा। देखिए इनवैलिड डिटेल्स आया, इसका मतलब कोई ना कोई डिटेल मैंने गड़बड़ कर दी है तो मुझे फिर से एक बार चेक करना होगा। फिर से मुझे स्कूल कोड लिखना है, मैंने पहले क्या किया था स्कूल कोड गलत लिख दिया था, अभी मैं यहाँ पर सही से टाइप कर रहा हूँ और अगर मैंने इस बार सही से किया तो साइन इन हो जाएगा। अब आप देखेंगे साइन इन हो गया है। सबसे पहले जो मेरे सामने आएगा, देखिए मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर दीपक कुमार 10th A, जो क्लास मेरे साथ असाइन की गई है या जिसका मैं क्लास टीचर हूँ वो मुझे यहाँ पर मेरे नाम के आगे लिखी दिखाई देगी। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, यदि आप क्लास टीचर नहीं हैं तब भी आपके सामने यहाँ कोई ना कोई क्लास मेंशन होगी, चूँकि टीचर की आईडी बनाने के लिए कोई ना कोई क्लास उसको असाइन कराना इस एप्लीकेशन में ज़रूरी है, तो इसलिए आपके सामने कोई ना कोई क्लास यहाँ पर ज़रूर डिस्प्ले होगी। जो भी क्लास यहाँ डिस्प्ले हो रही है उसके बच्चों की लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो ये टैब आपके सामने आ रहा है, देखिए 10th A क्लास लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बच्चों की लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। जितने ही बच्चे इस क्लास में होंगे उनकी आपकी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। किसी को आपको सर्च करना है किसी डिटेल से, SR नंबर से, उसकी डेट ऑफ बर्थ से, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे SR नंबर से सर्च करना है आपको 1340 किसका SR नंबर है, तो देखिए ये मुजाहिद आ गया है सर्च होकर, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर बच्चे को यहाँ डिटेल देखना चाहें तो आगे व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो उसकी पर्टिकुलर बच्चे की डिटेल्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फ़ी और रिज़ल्ट ये आपके लिए ओपन नहीं है, आपके ये टैब काम नहीं करेंगे तो इन पर क्लिक ना करें, बैक चले जाएं यहाँ से। अब आप देखेंगे वहीं आप लिस्ट पर आ गए हैं, तो इस तरह से तो आप लिस्ट देख सकते हैं। अब आपको और क्या कर सकते हैं, इसमें ऊपर देखेंगे तीन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपको इन्हें क्लिक करना है तो आपकी ये मीनू ओपन हो जाएगी। सबसे पहला इसमें ऑप्शन आपका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड मतलब जो सब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले स्क्रीन आपकी आती है वही आपकी डैशबोर्ड है, जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो कराई जाती हैं, तो आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। स्टूडेंट्स की लिस्ट आप यहां से भी दे सकते हैं जो हमने पहले इस टैब पर क्लिक करने के बाद देखा था। अब जो मेन काम हमें यहाँ करना है वो है ये देखिए लेक्चर, लेक्चर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑल लेक्चर्स, ऐड लेक्चर्स। ऐड लेक्चर का मतलब आपको किसी भी क्लास के लिए कोई लेक्चर ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लेक्चर की हेडिंग लिखेंगे, जो भी आप हेडिंग अपने लेक्चर की देना चाहते हैं। जैसे सपोज अगर मैं 10th क्लास को कोई यहाँ वर्क देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं 10th का क्लास टीचर हूँ 10th को ही दूँ, किसी भी क्लास को मैं यहाँ से होमवर्क दे सकता हूँ, लेक्चर ऐड कर सकता हूँ। अभी मैं जैसे चलिए 9th क्लास के लिए कर रहा हूँ, तो सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉलीनोमियल्स, पी
OLY पॉलीनोमियल हेडिंग लिखा मैंने। क्लास मुझे सेलेक्ट करनी है कौन सी क्लास के लिए, नाइन्थ ए के लिए मुझे, मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। सब्जेक्ट क्या हो गया, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लिखा मैंने। अब देखिए लिंक, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो मैं शेयर करना चाहता हूँ तो उसका लिंक मुझे यहाँ पर पेस्ट करना होगा। उसके लिए क्या करूँगा, इस एप्लीकेशन से बाहर जाऊँगा। आपके मोबाइल में से नीचे तीन बटन होते हैं, उनमें से एक का काम होता है कि आप अपने एप्लीकेशन से बिना एग्जिट किए बाहर आ जाएंगे। किसी दूसरे एप्लीकेशन पर आपको वर्क करना है तो आप जा सकते हैं। अब आपको जिस वीडियो का लिंक चाहिए वो आप यूट्यूब में ओपन करेंगे, पर्टिकुलर सर्च कर लेंगे जो भी आपको चैप्टर से रिलेटेड आपको सर्च करनी है वीडियो। जैसे मैं कोई वीडियो सर्च कर रहा हूँ तो ये मेरे सामने एक वीडियो आई, कोई भी मैं अभी कर लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है वही टॉपिक हो। अभी ये वीडियो एक ऑप्शन हमें यहाँ पर आएगा, और लाइक नहीं किया आपने तो वीडियो लाइक कर दें। और क्या करना है आपको, यहाँ शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कॉपी लिंक, कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे आप। अब वापस आप उसी एप्लीकेशन पर जाएंगे जिस पर आप बात कर रहे वर्क कर रहे थे, RSMS पर। देखिए ये हम RSMS एप्लीकेशन मुझे मिल गई यहाँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और थोड़ी देर होल्ड करूँगा तो ये पेस्ट का ऑप्शन इस तरह से मिलेगा, पेस्ट पर क्लिक करूँगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है आपको। इसमें केवल जो ये यूट्यूब और स्लैश तक है, यहाँ तक मुझे क्या करना है, ये इरेज करना है। केवल जो लास्ट का कीवर्ड है वो मुझे छोड़ना है, उसके पहले का ये सारा इरेज कर देना है। जो लास्ट का वर्ड था वही मुझे छोड़ना है। डेट यहाँ पर मैं लिखूँगा। अगर मुझे इसके साथ कोई नोट्स अटैच करने हैं तो मैं वो भी इसके साथ अटैच कर सकता हूँ। ये तो वीडियो का लिंक हमने यहाँ पर दे दिया, वीडियो प्ले हो जाएगी। और अगर कोई फाइल चूज़ करनी है, यहाँ पर केवल आप PDF ही चूज़ कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चूज़ फाइल पर आप क्लिक करेंगे, कैमरा ये ऑप्शन यहाँ वर्क नहीं करेगा, इस पर क्लिक नहीं करना है। फाइल्स पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अपने मोबाइल में जो PDF आपने डाउनलोड की होगी, जैसे डाउनलोड फोल्डर में देखना चाहते हैं, डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डाउनलोड कर रखी होंगी PDF वो यहाँ आपको दिख जाएंगी। कोई जैसे मैथमेटिक्स की एक PDF है, ये मैंने ये सेलेक्ट की तो ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ गया, सेलेक्ट हो गई है। अब मुझे क्या कर देना है, ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पर क्लिक करूँगा, ये लेक्चर मेरा ऐड हो जाएगा। वेट करेंगे, अभी कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा हमें। ये देखिए डन, लेक्चर एडेड सक्सेसफुली, और स्क्रीन आपकी ब्लैंक हो गई है। अब आप कोई भी दूसरा लेक्चर किसी भी क्लास में यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखना है जब आप क्लास यहाँ पर ऐड करें तो आप थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने क्लास गलत डाल दी तो उसी क्लास में आपका जो वर्क है सेट हो जाएगा। इसको चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें जो आपने वर्क दिया है क्या वो सही हुआ है। कैसे करेंगे, फिर से इन्हीं तीन हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे, लेक्चर्स पर क्लिक करेंगे। अब ऑल लेक्चर्स पर आप क्लिक करेंगे तो जिस जिस क्लास में आपने लेक्चर्स दिए होंगे वो क्लासेस यहाँ पर आपको आ जाएंगी। जैसे नाइन्थ ए में मैंने वर्क दिया है तो नाइन्थ ए यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। इस पर और भी क्लास में देता तो वो क्लास यहाँ नीचे आ जाती, उस क्लास के लेक्चर देखने थे उसके आगे व्यू पर क्लिक करता। अभी मैं नाइन्थ ए में देख रहा हूँ, व्यू पर क्लिक करूँगा तो नाइन्थ ए में जितने मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। मैंने पहले भी ये दिए थे टेस्ट करने के लिए तो ये पहले भी पढ़े हुए हैं। अभी आप देखेंगे जो मैंने लास्ट वाला ऐड किया है वो ये है, मैथमेटिक्स पॉलीनोमियल 27 मई 2020। इसको मुझे देखना है तो मैं व्यू पर क्लिक करूँगा और नीचे डिलीट ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, अगर आपको उसको डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अभी मैं व्यू पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड नोट्स, जो मैंने उसके साथ PDF अटैच की थी वो मुझे डाउनलोड करनी है तो मैं डाउनलोड नोट्स पर क्लिक करूँगा, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और जो वीडियो मैंने वहाँ अटैच की थी, देखिए उसका लिंक दिया था, वो यहाँ डिस्प्ले हो गई है। इसको प्ले करके देखना चाहूँ तो ये प्ले हो जाएगी, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ से बैक जाना है, आप बैक जा सकते हैं और जितने भी लेक्चर्स आप वहाँ आ जाएंगे। इसी तरह से आप जिस भी लेक्चर को देखना चाहें उसे देख सकते हैं। यही लेक्चर ऐसे ही जो नाइन्थ ए क्लास के बच्चे होंगे वो अपने एंड पर इन सब लेक्चर्स को देख पाएंगे जो उनकी क्लास के लिए असाइन किया गया होगा।
तो हमारे लिए करने के लिए केवल इसमें यही काम है, हम यहाँ पर लेक्चर ऐड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, कोई गलत लेक्चर ऐड हो गया है उसे डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड है नीचे, चेंज पासवर्ड पर आप क्लिक करें। करंट पासवर्ड मतलब जो अभी आपका पासवर्ड है वो आप लिखेंगे। न्यू पासवर्ड जो नया आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे। कन्फर्म पासवर्ड फिर से वही पासवर्ड टाइप करेंगे जो आपने नया बनाया है। चेंज पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये फीचर्स हैं जो आपके लिए इसमें है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा।